दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन कोचिंग बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, इस के तहत हमने मिशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत लेते हुए आपके लिए जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, कुछ क्वेश्चंस 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम पहले डाल चुके हैं। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है, ये हम कुछ 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 50-60 भी टाइम वीडियो के हिसाब से देख लेंगे, ज़्यादा लंबी ना करते हुए छोटी छोटी वीडियो मैंने आपके लिए PDF तैयार कर दी है। और दोस्तों, पूरा एग्ज़ाम पेपर यहीं से आने वाला है, तो इसको हल्के में ना लें, क्योंकि पूरा पेपर यहीं से आने वाला है आपका। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने SSC के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो हम और भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट्स वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं बिना अपना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का पंजाब में विलय कब किया गया? तो हरियाणा का पंजाब में विलय 1858 में किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो ये सिरसा ज़िले में आपका स्थापित है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसमें मुख्यमंत्री कौन थे आपके? चौधरी देवीलाल उसमें मुख्यमंत्री थे। हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में। हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान करनाल में है, आपको पता होना चाहिए। इसमें पहाड़ों की रानी मोरनी हिल्स को बोलते हैं। किस शहर में नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट स्थित है? हिसार में। कुछ बच्चे गलत लगा लाते हैं इसको, दिल्ली में ऑप्शन में दिल्ली भी होता है, तो दिल्ली वो गलत है। नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, ये चारों के चारों गेट आपके हिसार में है। पानी कभी हिसार जाओ तो विजिट करना इनमें। पानीपत के प्रसिद्ध तीन युद्ध, 1526, 1556, 1761, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आपको टिप्स भी होना चाहिए। 1526 का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था। दूसरा 1556 में हुआ था अकबर और हेमू में, इसमें जो अकबर का जो नेतृत्व किया था वो जालिम बैरम खान ने किया था 1556 में, और उसमें हेमू की हार हुई थी। तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली विजय हुए। तो दोस्तों, नेक्स्ट है, हरियाणा में अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो कितना क्षेत्र है उसका, आप देख सकते हो ये 1153056 डिजिट आपको याद कर लेनी है, ठीक है? तो इतने क्षेत्र में क्या है आपका वो हेक्टेयर है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, हरियाणा में नवाब के महल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गुरुग्राम का पटौदी शहर। टांगरी नदी मुलाना के समीप किस नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? हिसार में। तो टांगरी नदी मारकंडा है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? तो सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है। हादीय हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? मोहम्मद रामजान। हादीय हरियाणा के नाम से मोहम्मद रामजान प्रसिद्ध थे। गुरु चंद्रेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में है, ये 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, तो चौधरी कृषि करण सिंह विश्वविद्यालय 1970 में हुई थी, और ये एक कृषि विश्वविद्यालय है, और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है? अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, हिसार में है। नेशनल रिसर्च ऑन इक्वाइंस NRCE, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस आपका हिसार में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके सबको पता है करनाल में है, और कब बनी थी? 1955 में, आपको ये भी पता होना चाहिए। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती? करनाल और कुरुक्षेत्र, इसलिए करनाल को धान का कटोरा, पेरिस, इन सब नामों से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो वो है रोहतक। सोनाकुंड हरियाणा के किस में है? गुड़गांव में।
हरियाणा के किस विश्व प्रसिद्ध हस्त मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है? तो फरीदाबाद में होता है 1 से 15 फरवरी के बीच में। आपको सबको इसका पता होना चाहिए। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत 45 सेंटीमीटर है। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियाँ है? तो पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ है। हरियाणवी भाषा को पहली फिल्म कौन सी थी? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावर, जो कि काफ़ी अपने फेमस हुई गानों के लिए, और इसमें सह भूमिका की जगत सिंह जाखड़ ने की थी, और इसके निर्देशक कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब पता होना चाहिए इनके बारे में। मारुति कार गुड़गांव में। हरियाणा का फतेहबाद नगर फिरोज शाह तुगलक ने उसके बेटे फतेह खान के नाम पर हरियाणा के फतेहबाद नगर को बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, और किसकी याद में? अपने बेटे, उनके बेटे का जन्म हुआ था और उनके बेटे का नाम रखा था फतेह खां, तो उसके नाम पे फतेहबाद नगर का नाम बसाया गया। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जेसी साथे। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जेसी साथे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में दिया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के सभी गाँव का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? 1970 में। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण है तो कितनी राशि दी जाती है? तो 14,000 रुपये। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण के लिए 14,000 रुपये दिए जाते हैं कि आप किसी भी शहर में क्या है उससे शौचालय बनवाएं, ताकि जो शौच मुक्त हरियाणा बनाने के उद्देश्य से। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 573। ये 2011 के अनुसार। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान कहाँ है? एमडीआई है आपका गुड़गांव में। एमडीआई कहाँ है? गुड़गांव में। तो ख्याति प्राप्त प्रबंधन एवं विकास संस्थान, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है? गुड़गांव में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुणाल हिसार से मिले हैं। तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुणाल, तो हिसार। तो कुणाल ये भी पूछा जा सकता है कि कुणाल कहाँ है, तो हिसार में। एक बनवाली पूछा जाता है एग्जाम्स में, बनवाली कहाँ है, तो वो भी आपका कहाँ है? हिसार के अंदर स्थित है। राखीगढ़ी पूछा जाता है एक आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी कहाँ है? हिसार में। क्लियर है बात आपको? ये तीनों चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। अशोककालीन टोपरा, अशोककालीन टोपरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? अम्बाला के निकट से प्राप्त हुआ है, जो कि एक अभिलेख है, और उसको फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित किया है? दिल्ली के पुराने किले में। वो मिला कहाँ था? अम्बाला के निकट मिला था, और फिरोज शाह तुगलक क्या है उसको लेके उसने कहाँ स्थापित कर दिया इसको? पुराने दिल्ली के पुराने किले में फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित कर दिया। यानी ये हरियाणा की एक थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक उसे ले गया। नेशनल रिसर्च सेंटर और ऑफ इक्वाइंस यानी NRCE की स्थापना हरियाणा में कब हुई? देखो पहले NRCE कहाँ पे है? हिसार के अंदर, और इसकी स्थापना 1986 में हुई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो रोहतक जिले में है। महर्षि हरियाणा विश्वविद्यालय आपका रोहतक जिले में है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और रोहतक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हमने डिस्कस किया कहाँ पे है? करनाल के अंदर है, हम डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? वैसे तो यदि एक ऑप्शन आता है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 45 के आसपास है, लेकिन यदि ऑप्शन 40 से 60 हो तो लिए आपका क्या है? 40 से 60 है, कई कई जगह ये वैरी भी करता है। किसानों की खुशहाली के लिए हरियाणा में कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं? कृषक उपहार योजना, रिवॉल्विंग क्रैश क्रेडिट स्कीम। कृषक उपहार योजना और रिवॉल्विंग क्रैश क्रेडिट स्कीम, ये स्कीम्स क्या है? हरियाणा सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए ये योजनाएं चलाई गई है, लेकिन अफसोस ये है कि आज भी एक किसान का जो हाल है वो खुशहाल से बदहाल है। हरियाणा में
हिसार का पहले साहित्यकार किसे माना जाता है? तो हरियाणा में हिंदी का पहला साहित्यकार तुरंगी नाथ को माना जाता है। महाभारत युद्ध की चिताभूमि अब किस नाम से जानी जाती है? अस्थिपुर के नाम से। महाभारत युद्ध की चिताभूमि आज के टाइम अस्थिपुर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन का मुख्य गढ़ कौन सी जगह थी? रोहतक और भिवानी। जो असहयोग आंदोलन हुआ उसका जो मुख्य गढ़ था वो रोहतक और भिवानी था। और जो 1857 की क्रांति कहाँ से? तो अम्बाला छावनी से 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। प्रसिद्ध प्रोफेशनल मुक्केबाज हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? प्रोफेशनल मुक्केबाज कौन है? तो एक ही है हमारे, विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र सिंह किससे संबंधित है? भिवानी से। सेल्फी विद डॉटर का आइडिया हरियाणा के किस गांव से आया? जींद के बीबीपुर गांव से। देखो ये जींद में बीबीपुर गांव है जो कि आज के टाइम सबसे ज़्यादा विकासशील देश है। और जो इसकी पंचायत समिति है इसको काफ़ी बार इसके लिए, इसके जो सरपंच है इनको अवार्ड भी मिल चुका है। और यहीं से सेल्फी विद रोटर का आइडिया हरियाणा के आया, जींद के बीबीपुर गांव से। टांगरी नदी का उद्गम स्थल हरियाणा में कहां पर है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये है मोरनी की पहाड़ियों में। तो दोस्तों ये आज के हमने जो मिशन हमारा 1000 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पहले पोस्ट हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन ये हैं। तो ये आपका पार्ट दो है, आज हम 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो मैंने ये किया कि हम रोज़ 50 क्वेश्चन करेंगे और 1000 क्वेश्चन तक हम क्या है धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हमारा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।